नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका गुप्ता। आप देख रहे हैं आपकी न्यूज। टूटे फूटे घर में पन्नी तान कर रह रहा गरीब परिवार का यह नजारा सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज ब्लॉक के बजीलिया गांव का है। यह गरीब कई कुश्तों से इस गांव में रह रहे हैं। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले इन गरीबों का घर देखते हैं। ठंडक और बरसात के बाद इस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर है, मगर अफसोस की इसमें यह गरीबी और टूटा हुआ घर गाँव के प्रधान और सरपंच को नजर नहीं आ रहा है। उनकी निगाह में यह परिवार आवास के लिए आपात्त में। परिवार वालों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी आवास देने के लिए उनसे 5,000 रुपए ले रहे हैं, फिर भी उनको अभी तक आवास नहीं मिल सका। कई बार ग्राम प्रधान ने के कहने पर सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। गरीब परिवार को आवास न मिलने के मामले में मुख्य विकास अधिकारी कुलदीप गर्ग ने कहा कि इस मामले की छानबीन करवा कर वह आवास के लिए पात्र है तो तत्काल उसे आवास दिलाया जाएगा और अन्य शिकायतों के संज्ञान में लेकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। समस्या ये है कि हम दूसरे के घर में रह रहे हैं, प्रधान जी आवास नहीं पास कर रहे हैं। 2-2.5 साल हो गया, पैसा भी दे दिए हैं। आज याद किया जाता हूँ तो भी बोल रहे कि आज खाना याद कर रहे हैं, पैसा आपके माध्यम से शिकायत जो है ये संज्ञान में आई है अभी, तो इसकी हम वीडियो से जांच करा ही लेंगे और एक बार जैसे ही हमें शिकायत इसकी प्राप्त भी हो जाएगी जिन व्यक्तियों ने जो शिकायत की है, तो हम उसकी गहन जांच करा के नियमानुसार उस पर कार्रवाई की।